इस वक्त की बड़ी खबर अम्बेडकर नगर थाना सम्मनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुल्तानपुर तुलसीपुर से आ रही है, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जहां 5 फीट की हाइट पर 11,000 वोल्ट की तार लटक रही है और 6 महीने के अंदर 3 जानवरों की मृत्यु हो चुकी है और बिजली विभाग अभी गहरी नींद में सो रहा है। आए दिन अम्बेडकर नगर में लाइट से लोगों की मृत्यु हो रही है। अभी हाल ही में सिकंदरपुर बाजार में मोइनुद्दीनपुर गाँव में एक युवक की मृत्यु हो चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सुल्तानपुर तुलसीपुर गांव में भी कभी ना कभी घटना हो सकती है। गांव वालों का आरोप है कि अगर ये जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो इसका जिम्मेदार शासन और बिजली विभाग के अधिकारी होंगे। आगे देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए दोस्तों, बिजली विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही सामने है। अभी मोहिद्दीनपुर में बिजली के तार से ही एक युवक की मौत हो गई थी। ये देखिए, ये तार इतनी नीचे है कि कोई भी इसको हाथ से छू सकता है। और अभी हाल में यहाँ पे बकरी की एक मृत्यु हो गई है और एक आदमी भी मरने से बचा है। ये देखिए, आए दिन यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं। ये देखिए, ये कितना नीचे है देखो जरा, यहाँ पे ये लगी से देखिए कितना नीचे है। जा देखिए, उधर जाइए, उधर उधर छूना मत। ये देख, 5 फीट की हाइट पे ये है तार, इसके आगे जो है ये 4 फीट पे है। 4 फीट पे तार लटका हुआ है, कोई भी इसको पैदल जो है अगर इसको हाथ से पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है। गाड़ी मोटर से भी दिक्कत हो। यहाँ पे कोई घटना हुई है? कोई घटना हुई है अभी? नहीं हाँ, घटना भैया जी हुआ है। एक बकरी भी मर गई थी, मर गया था, एक पड़वा मर गया था, दो दो हादसा हुआ है और 6 महीने के अंदर अंदर भी मरा हुआ। लड़का वाला मरा हुआ, बच्चा भी एक्सपायर हुआ। हाँ, लाइन से वो बहुत दिन कहाँ से कहाँ तो वहाँ से हुआ था। लेकिन दरअसल यहाँ जो है एक बकरी मर गई है, एक पड़वा मर गया है। यहाँ जो बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं तो कोई भी बच्चा ऐसा टच करता है उसमें लाइन आ जाता है, उस पेड़ में आ जाता है भैया जी। इसीलिए हमें निवेदन है आप लोग से, हमारे सरकार से, कि इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें, क्योंकि ये दुर्घटना हो जाएगी, कभी भी हो सकती है, कोई पता नहीं है। बच्चे पढ़े लिखे ही कहीं जाते हैं। हमें सरकार से ही मांग है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को काम कराने की कृपया करें। यहाँ पे 2 जानवर मर चुके हैं। हाँ, दो जानवर मर चुके भी हैं। बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं ऐसे कह रहे हैं भैया जी। अरे उस पेड़ में तार नीचे बाटे का तो खतरा बहुत देरी है कि अब खतरा। इसी गांव के जानवर मरे हैं। जी जी, बकरी जी जी, बकरी नीलगा, एक पड़वा मर गया था, एक पड़वा भी मरा। अरे आज बकरी पड़वा, कई जानवर मर चुके हैं। जाते हैं कम से कम, हमारे यहाँ से कम से कम 20 बच्चे जाते हैं पढ़ने बरियावन, तो बच्चे लोग टेस्ट करते हैं पेड़ में। अभी आते हैं एक बार वहाँ टेस्ट करते हैं तो कह रहे हैं भैया जी उसमें लाइट उतरता है। तो भैया जी हमें जब ये सूचना मिला तो हम कहें भैया जी को बुलाया जाए, सरकार तक ये आदेश पहुँचाया जाए, शायद हमारे सूचना को सरकार सुने। नहीं, आजकल घटनाएं हो रही हैं लाइट को लेकर, और ये काफ़ी नज़दीक में तार लटका हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी नज़दीक में तार लटका हुआ है। 4 फीट की हाइट पे ये तार लटका हुआ है, 4.5 फीट। कोई भी इसको पकड़ सकता है। ये 11,000 है, 11,000 ये 11,000 की तार है। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? प्रशासन की इस पे जो है दृष्टि कैसे नहीं पड़ पा रही है अभी तक? ये कौन सा गांव है भैया? ग्राम सुल्तानपुर तुलसीपुर।
ग्राम सुल्तानपुर तुलसी पोस्ट बरियान बराज जिला अम्बेडकर नगर थाना सम्मनपुर तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकर नगर भारत। इसकी कभी शिकायत की गई है? शिकायत की नहीं गई है, लेकिन घटना देखते हुए करते करते हुए इसको फिर देखा गया कि कोई कार्रवाई नहीं किया गया। कभी इसको मतलब बिजली विभाग में कोई कंप्लेन जी कर दिए? कितने बार किए हैं? सिर्फ डार काट कर चले जाते हैं। अच्छा, दो या कितने बार? वहाँ भी एक वहाँ भी है। हाँ। एक वहाँ भी जम्फर गिरा था, वहाँ भी डार काट कर चले जाते हैं। इसका कोई चीज़ का कार्रवाई नहीं हो रहा है, डार फिर उत्पन्न हो जाता है। और बारिश होती है तो हमारे यहाँ रास्ते में लाइन भी उतरता है घास में। नहीं नहीं, 11,000 वोल्टेज लाइट है, इससे घटना हो सकती है कभी भी। हमारे सरकार से मांग यही है कि हमारे सूचना को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कभी भी हमारे यहाँ का गांव ग्राम सभा का कभी भी दुर्घटना हो सकता है, इसका कोई जानता नहीं है। बस हाथ जोड़ के हमें निवेदन है कि सरकार से हमें यही मांग है कि इस घटना को बचाया जाए, दुर्घटना ना होने पाए। बोलिए साहब, रोड भी हम लोग को बहुत बहुत एकदम बंगाल की खाड़ी है। प्रधान कोई सुनवाई नहीं। हमारे इस गांव का इतना पानी रहता है, बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं जा नहीं पाते, बड़ी समस्या हो जाती है, बच्चे बैठे रहते हैं। मेरे हमारा रिक्वेस्ट ये है सभी गांव का विकास होता है। हमारे ग्राम सुल्तानपुर तुलसीपुर का कोई विकास नहीं हो रहा है, ना रास्ता सही, ना लाइन सही, ना कोई चीज भी, नलका पानी, ना नाली, ना पानी, कुछ पानी भी कहीं ना, इंसान अपने घर पर गड़ा खान कर वहाँ पानी जाते हैं और रास्ता भी नहीं सही। बच्चे लोग आते हैं चाटे बूढ़ जाते हैं, प्लस क्या बोलते हैं स्कूल जाते हैं, एकदम ड्रेस खराब हो जाता है। अब पानी इतना कम से कम इतना तो पानी हो जाता है। यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा हमारे सरकार। बस हमारा ये सूचना है आपसे, यही गवाही है कि हमारे यहाँ का विकास करवाने की कोशिश नहीं करते। जब वोट का मांगने का समय आता है तो हाथ जोड़ते बोलते हैं जिता दो हम करा दें। आप लोग देख सकते हैं इस तार को जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए, नहीं तो अगर कोई बड़ी घटना होगी तो इसकी जिम्मेदार बिजली विभाग प्रशासन होगा।